हाय गाइस, वेलकम टू द कौर ब्लॉग टीवी। दिस इज जसलीन कौर और आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी सोया चाप ग्रेवी मसाला। लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है चाप, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, देन कसूरी मेथी, चाट मसाला, दालचीनी एंड लौंग, जीरा, कुछ दो मिर्चें आपको लगेंगी, हरी मिर्च आप ले सकते हो, देन 3 कप टमाटर और 3 टेबलस्पून बटर एंड कुछ काजू ऑप्शनल है वैसे, 1 मोटी इलायची, 4 हरी इलायची चाहिए, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1.5 कप प्याज चॉप्ड अनियन एंड जिंजर गार्लिक चॉप्ड, तेज़पत्ता, ऑयल एंड थोड़ी सी शुगर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। सो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको ये टेस्टी टेस्टी सोया चाप ग्रेवी मसाला बनाने के लिए। बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सोया चाप में ये आइसक्रीम स्टिक होती है, इसे निकालना होता है एंड देन ये पानी में डिप्ड रहेगी। नाउ जिस सॉल्यूशन में ये डिप्ड रहेगी उसके बाद हम इसे निकाल कर स्क्वीज आउट करेंगे। स्क्वीज आउट करने का मतलब ये पानी पूरा निचोड़ लेंगे और फिर इसे फ्रेश वाटर में डालेंगे ऐसे। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, सारी सोया चाप जितने भी आपने ली है वो सारी की सारी आपने फ्रेश वाटर में डाल दी, उसके बाद हम इसे स्क्वीज आउट करके बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। नाउ 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है बॉइलिंग वाटर में गैस स्टोव पर, देन इसे हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा पानी भी स्ट्रेन कर देंगे। सो अब अच्छे से बॉइल हो चुकी है इसलिए हम इसे स्ट्रेन कर रहे हैं। आप चाप की क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हो, मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, आप चाहो तो 6 या 7 पीसेस भी ले सकते हो। देन हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। पैन को हीट किया और उसमें डाला 4 टेबलस्पून ऑयल, ये ऑयल थोड़ा सा हीट अप होगा, देन इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 तेज़पत्ता जाएगा, 1 मोटी इलायची जाएगी, 4 हरी इलायची जाएंगी, 5 लौंग, दालचीनी जाएगी, 1 छोटी सी स्टिक आप डाल सकते हो, देन 1 टीस्पून जीरा एंड देन 1.5 कप चॉप्ड अनियन और 1 ग्रीन चिली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, मैं 1 ही डाल रही हूँ। देन फॉर द मलाई बटरी फ्लेवर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, बाद में डाला है क्योंकि पहले डालते तो जल जाता, और अब इसमें हम प्याज को पकाएंगे तो प्याज थोड़ा अच्छे से पकेगा। नाउ जब तक ये प्याज भुन रहा है इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर एंड 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। इसमें ब्राउन नहीं करना है किसी भी इंग्रेडिएंट को, ज़रा सा पकाना है बस, तो ये ध्यान रखना। अब हम ऐड करेंगे 3/4 टेबलस्पून ऑफ हल्दी, 1 टेबलस्पून ऑफ लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड देन क्विक स्टर देंगे। देन हम ऐड करेंगे 3 कप टमाटर एंड इसके बाद जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेना। आप इसमें अब काजू भी डाल सकते हो अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल कंसिस्टेंसी चाहिए, बट बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अगर हैं तो डाल दो, नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे बस ये होता है कि जो रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी होती है मखमली सी, वैसी सी बन जाती है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता, स्वाद में कोई डिफरेंस नहीं आता। नाउ थोड़ा पकाने के बाद हम ऐड कर रहे हैं 2 कप पानी और इसको अब बढ़िया सा बॉयल देना है। अब जब तक ये बॉयल होता है हम करते हैं सोया चाप को मैरिनेट, तो मैरिनेशन के लिए पहले मसाला तैयार कर देते हैं। सो इसमें डाला है मैंने 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट अपने हिसाब से डाल लेना, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको मिक्स करके अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ, यानी कि 1/4 कप आपको डालना है गाढ़ी दही का। गाढ़ी दही डालना, पानी पानी मत डालना, और फिर इसको मिक्स करना है। सोया चाप आजकल वेजिटेरियंस में क्या नॉन वेजिटेरियंस में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और हर जगह मिलती है, तंदूरी सोया चाप, ये सोया चाप, वो सोया चाप, तो ये तो हर जगह ही फेमस है। नाउ मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून के अराउंड आपको ऐड करना है कसूरी मेथी। इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हो और नॉर्मल कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसको अब करेंगे मिक्स एंड देन हम इसमें सोया चाप को करेंगे मैरिनेट। सो सोया चाप को बेसिकली हमें इस मसाले में कोट करना है, तो मैं अपने ये सारे जितने भी सोया चाप मैंने स्ट्रेन करके रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इन सबको कोट कर दूँगी मसाले से और थोड़ी देर इसको यहीं पर रखूँगी ताकि जो मसाला है वो अंदर तक सोख ले, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अंदर की तरफ से भी आएगा, थोड़ा जूसी जूसी टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई टेस्ट होगा। ये नहीं होगा कि आप बाहर से कोटेड मसाला जो है वो तो
खा सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब अंदर आप टुकड़ा तोड़ते हो तो वो बिल्कुल फीका हो, ये चीज़ नहीं होगी। तो हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो अभी ये जैसे मैंने कोट किया है, तो अब मैं साइड इसकी चेंज कर रही हूँ। नाउ ये मैरिनेशन का पार्ट तो हो गया, इसको ऐसे ही रखते हैं और फिर जाते हैं ग्रेवी देखने अपनी। सो 20 मिनट हो चुके हैं इसे उबलते हुए, सो पानी सोख चुका है ये मसाला आपका। अब आपको जो तेज़ पत्ता है और मोटी इलायची है और ये जो दालचीनी है इनको निकाल देना है, एंड देन ये जो बचा हुआ मसाला है ये जाएगा ग्राइंड होने। सो बेसिकली इसकी पेस्ट बन जाएगी आपके पास, और आपको ये खड़ा खड़ा मसाला नहीं दिखेगा, आपके पास एक पेस्ट बनी हुई आएगी। सो अब हम पैन को दोबारा हीट करते हैं। वो पेस्ट हमने बना लिया, पैन को हीट किया और इसमें डाला हमने 4 टेबलस्पून ऑयल अगेन, और इसको हम थोड़ी देर हीट करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे वो मैरिनेटेड सोया चाप जो हमने रखे थे। नाउ अब हम बेसिकली सोया चाप को फ्राई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा इसको बर्न नहीं करना है, कोई हमें इसे डार्क ब्राउन टेक्सचर नहीं देना है, बस थोड़ा सा कलर चाहिए पकाने के लिए, दैट्स इट। इसे बस पकाना है, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना। हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगेगा तो हम इसको थोड़ा टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद आप देख सकते हो, ये देखो हल्का हल्का कलर आ रहा है, बस हमें कलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें इसे जलाना नहीं है अच्छे से, हमें इसे पकाना नहीं है इतना, हमें बस थोड़ा सा कलर चाहिए, दैट्स इट। देन हम इसे ऐसे रखेंगे और फिर इसके पीसेस करेंगे। तो अब हमें इस पॉइंट पर इसको कट करना है। नाउ हमने सारी सोया चाप कट कर ली है छोटे छोटे पीसेस में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने ग्रेवी पार्ट पे। पैन को हीट करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। नाउ इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे पूरे पैन पर। अब इसमें जो हमने मिक्सी में अपनी वो जो ग्रेवी ग्राइंड की थी वो हम इसमें डाल देंगे, जो पेस्ट बनी हुई है वो डाल रहे हैं हम। देखो कितनी मखमली सी पेस्ट है, एकदम कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है, बटरी कंसिस्टेंसी जैसे हमें चाहिए। तो सोया चाप बटरी ग्रेवी मसाला है ये थोड़ा सा, और जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही है बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिकॉज ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक है, तो थोड़ी सी हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड उसको अच्छे से स्टर करेंगे। देन ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसमें अब थोड़ी सी चीनी डालनी है आपको, 1/2 टीस्पून भी चलेगी, थोड़ी सी डालनी है, एंड देन इसको स्टर करेंगे। आप देख सकते हो कितनी मखमली ग्रेवी बनी है हमारी, कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, वो अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हो। इसको अब दोबारा से स्टर करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे ग्रेवी को, एंड इसके बाद जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ सोया चाप, जो हमने कट करके रखा था ऑलरेडी, फ्राइड हैं, कट हैं। अब हम इसको इस ग्रेवी में डाल रहे हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप है बेसिकली, लेकिन इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे, 1 मिनट के लिए इसे पकाना है, और फिर उसके बाद आप गैस बंद कर सकते हो और इसे सर्व कर सकते हो। इतनी इजी रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन रेसिपी बहुत इजी है। ना थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें डाल सकते हैं क्रीम। ना क्रीम भी ऑप्शनल है, बट इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए अगर आप इसे डालोगे तो वो मखमली टेक्सचर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और इसका जो कलर है वो भी वैसा ही हो जाएगा जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलता। सो रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप ग्रेवी मसाला आपका रेडी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हो। ये बिल्कुल क्विक हो चुका है अच्छे से, इसे आप सर्व कर सकते हो अब। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना, और साथ साथ कमेंट भी करके बताना है कि कैसी लगी ये रेसिपी, और अगर आप ट्राई करते हो तब तो ज़रूर कमेंट करना। सब्सक्राइब भी कर लेना याद से, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी वीडियोस आप देख सको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।